हे गाइस, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। लाइक सच बोलूँ, ये पैंडेमिक की वजह है, लेकिन हम बिल्कुल टाइम में नहीं मिला एक नया व्लॉग बनाने के लिए। तो आज मैं सोचा कि लेकिन आई गेट अ न्यू वीडियो आउट फॉर यू। सो एक्चुअली दिस अगेन वाज विद अ रेफरेंस टू आ भोपाल ट्रिप, बिकॉज वहाँ पे जाके लेकिन मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। सो आई वॉज नॉट एबल टू लेकिन कैप्चर वहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स है वो सब वो कैप्चर नहीं कर पाया मैं। बट ऑन द रिटर्न जर्नी बैक वहाँ से जब आ रहा था और काफ़ी देर हो चुका था रात को। सो ऑन द रिटर्न जर्नी बैक जब भी गाड़ी चला रहा था तो काफ़ी दिक्कत हुआ, स्पेशली नाइट टाइम ड्राइविंग की वजह से। सो दिक्कत ये है कि लाइक यू नो व्हेन यू ऑन द हाईवे नाइट टाइम आप गाड़ी चला रहे हो तो पीछे से जो आते हैं लाइक यू नो बसेस ट्रक्स एकदम यू नो 1000 वॉट के बल्ब डाल के तो एक जो रोशनी लगती है लाइक यू नो बहुत तेज दर्द होता है। एंड कमिंग टू मी, सो लाइक मुझे अपना तेज रोशनी से मुझे मेरा सर दुखता है, काफ़ी ज़्यादा दुखता है। सो आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट अ वे लाइक यू नो हाउ कैन आई रिड्यूस दिस। तभी मेरे को पता चला लाइक यू नो देर इज़ लाइक यू नो एन ऑटो डिमिंग मिरर या फिर मैन्युअली ऑटो डिमिंग मिरर जो आता है गाड़ी के लिए। तो वो ऑटो डिमिंग मिरर जो आता है लाइक यू नो लग्जरी कार्स में तीनों मिल जाता है, दोनों ORVM और एक IRVM के लिए। बट सिंस दिस इज़ अ टियागो, इसमें खाली वो मैनुअल ऑटो डिमिंग मिरर खाली टॉप एंड मॉडल पे आता है। एंड सिंस दिस इज़ एन XM मॉडल, इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया मार्केट में, आई वाज लाइक कहाँ से मिलेगा ये। तो मैंने लोकल डीलर से पूछा तो उन्होंने कोट 1400-1500 रुपये के आसपास बोला। फाइनली आई वाज एबल टू सोर्स मिरर फ्रॉम बॉडमो, वहाँ पे मेरे को 800+ रुपीस लाइक 850 के करीब मिला एंड होम डिलीवरी भी हो गया। तो दिस IRVM इज़ लाइक स्पेशली ये ऑटो डिमिंग मिरर जो है इट हेल्प्स यू इन नाइट टाइम ड्राइविंग, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए बहुत लेकिन फ़ायदेमंद होता है ये। जब भी आप लेकिन पीछे से जब भी गाड़ी आती है और आपके लेकिन आग पे लग जाता है तो वो काइंड ऑफ लेकिन जब भी वो एक ब्लाइंड स्पॉट बना देते हैं रास्ते पे वो तेज़ रोशनी की वजह से, और इसकी वजह से आपको बराबर कभी कभी रास्ता दिखता नहीं है आगे। सो आई वुड हाईली सजेस्ट लेकिन जब भी आप गाड़ी लेते हो आपकी गाड़ी में ऑटो डिमिंग या फिर अपना मैन्युअली एडजस्टेबल IRVM ना हो, यू शुड इन्वेस्ट इन वन। 800 रुपीज इज़ नॉट अ बिग अमाउंट कंपेयर टू लाइक यू नो द अमाउंट यू वुड स्पेंड इफ यू मीट इन एक्सीडेंट एट नाइट टाइम ड्राइविंग। सो आई विल शो यू नाउ लाइक यू नो हाउ टू गो अहेड एंड पुट दिस IRVM लाइक यू नो इन द कार। यू कैन डू इट योरसेल्फ, लाइक बहुत ही सिंपल है, खुद भी कर सकते हो ये। तो यहाँ पे जो है लाइक मैंने मंगाया ये IRVM। सो इसका ये फंक्शन यहाँ पे, इसको ऊपर नीचे करने से इसका फोकल लेंथ चेंज हो जाता। सो दिस आई विल क्विकली शो हाउ टू फिक्स इट इन द कार। 2 मिनट का काम है, डजंट टेक टू मच, बट इसका फ़ायदा लेकिन सालों साल चलता रहेगा। सो जैसे आप देख रहे हो ये गाड़ी का एकदम स्टॉक IRVM है, और ये IRVM जो है दिस इज़ द वन विच आई हैव गॉट फ्रॉम बॉडमो। अगर आप देखोगे साइज़ कंपैरिजन, ये जो बॉडमो से आया है दिस इज़ क्वाइट बिगर इन साइज, इसके भी खुद अपने बेनिफिट्स है। सो दिस इज़ एकदम स्टॉक वाला है एंड जस्ट लिंक टू द ग्लास, एक छोटा सा अटैचमेंट है, आपको खाली ये कांच निकाल के खाली ये रिप्लेस करना है, दैट्स इट। इसका रिप्लेसमेंट एकदम सीधा सरल है, लाइक आप ये यहाँ से पकड़ो और उसको ऊपर की तरफ स्लाइड कर दो, स्लाइड करने के बाद निकल जाता है। अगर आप देखते हो अंदर तो ये उसका रेलिंग है, तो इसके ऊपर ही दूसरा वाला मिरर बैठ जाता है। यहाँ पे वो शीशा उतर चुका है, हम लोग अभी इसी जगह पे हम लोग का दूसरा वाला शीशा इंस्टॉल कर देंगे। सो इसको खाली अलाइन करना है
एक बार अलाइन करने के बाद इसको अच्छे से गाइड रेल में फिक्स करना है अंदर। तो ये अंदर पूरा एकदम फिक्स बैठ गया है, लाइक एकदम लाइक ना फिट बैठ गया है, इट्स नॉट वॉबलिंग, अभी इतना ज़्यादा हिलेगा नहीं। अपना मिरर जो है, सो इट वर्क्स समथिंग लाइक दिस। ये अगर नॉर्मल मोड पे है, अगर आप पीछे डाल दोगे तो इसका फोकल लेंथ नीचे जाता है। एज यू कैन सी एक नीचे एक और रिफ्लेक्शन दिख रहा है ये नॉर्मल व्यू पे। इसका नाइट टाइम में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ये पैकेज जैसा आया था पोडमो से, अभी ज़रा हम लोग चेक करते हैं और इसको खोल देते हैं। ऑनेस्टली बोलूँ लेकिन मेरे को अंदर ऐसा लगता था कि लेकिन कि क्या पता अंदर पार्ट्स बराबर रह गए कि नहीं इसके, बट चलो देखते हैं अंदर इसका कंडीशन क्या है। कोई नहीं, बहुत दिक्कत हो रही है, इतना स्टेपल्स लगाया ना इन लोग ने, पूछो मत। स्टेपल लगाया, टेप भी लगाया। तो ये रहा एक पार्ट पर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये रहा बबल रैप और होपफुली इसके अंदर ये मिरर रहे। चलो इसका भी टेप काट के अंदर देखते हैं कि कैसा है अंदर। अभी मेरे को फोम तो दिख रहा है, फोम प्लस बबल रैप। ओ ये रहा मेरा, दिखता तो है ठीक ठाक है, डजंट लुक लाइक डैमेज टू एनीथिंग एज सच, लुक्स डिसेंट। थोड़ा हैवी भी लगता है हैंड में, बट गाड़ी में जाके देखते हैं कि लेकिन बताइए सेम साइज का है, लगता थोड़ा सा बड़ा भी है। अभी रात का वक्त हो गया है, अभी चेक करते हैं लेकिन कि इसका ऑटो डिमिंग फंक्शन बराबर काम करता है या नहीं। अगर आप देख रहे हो पीछे से बाइक आ रही है और नीचे में उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, जब ये बाइक आ रही है सामने से लेकिन बहुत तेज़ रोशनी है, पर जैसे नीचे जाते हैं लाइक एकदम डिम सा हो जाता है वो, तो इतना तेज़ लगता नहीं है। अभी मेन रोड पे आया है लेकिन जस्ट अगेन चेक अगेन, पीछे से जब ये गाड़ी आ रही है और इसको लाइक नीचे कर दिया तो एकदम तेज़ रोशनी अपने आप कट जाती है। ये देखो पीछे से एक और बाइक आके गया, ये देखो सामने से आ रही है टैक्सी। टैक्सी का जब ये लाइट पड़ता है एकदम स्ट्रॉन्ग और मिरर। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है लेकिन प्लीज़ टू लेकिन शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा सो आई कैन गेट मोर कंटेंट आउट टू यू। वैसे भी थोड़े बहुत फ्यूचर में और कुछ काम करवाना है गाड़ी पे, आई विल शेयर लेकिन एवरी लाइक एवरी मॉडिफिकेशन और एवरी स्मॉल थिंग दैट आई डू विद दिस कार। तो यही बात पे चलो व्लॉग बंद कर लेते हैं, मिलते हैं अगली बार।